थैंक यू, सिट डाउन प्लीज। कोई भी तीन बच्चा इधर आ जाए, ठीक है, कैसे भी खड़े हो जाओ, एक लाइन में मत खड़े हो, ठीक है, अलग अलग दूरी पे जो है खड़े हो जाओ, ठीक है, जैसे खड़े हो जाओ, मतलब इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, बस अलग अलग ना खड़े हो, चलो ये पकड़ो, बस पकड़ो, वापस पकड़ो, देखो क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। जब तीन अलग अलग पॉइंट एक लाइन में ना हो और इनको हम रेखाओं से जोड़ें तो क्या हो जाता है, त्रिभुज। त्रिभुज में देखो तीन भुजाएं आई, एक भुजा, दो भुजा, तीसरी भुजा, ठीक है, तीन तरह की भुजाएं आई तो इसीलिए कहलाता है त्रिभुज, ठीक है। और ये दो भुजाएं कहीं ना कहीं मिलती हैं, जैसे ये यहां मिल रही हैं, वो वहां मिल रही हैं, वो वाली वहां मिल रही हैं, तो इनका शीर्ष हुआ जहां पे भुजाएं मिलती हैं, तो ये एक शीर्ष हो गया, एक साथ है, ठीक है, दूसरा शीर्ष, तीसरा शीर्ष, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्टिसेस, एक वर्टिसेस, दो वर्टिसेस और तीन वर्टिसेस, ठीक है। और इसी तरीके से एक साइड, दो साइड, तीन साइड, ठीक है, तो ए बी सी तीन वर्टिसेस हो गए या तीन शीर्ष हो गए और तीन भुजाएं हो गई, ठीक है। अब आप लोग अपने कॉपी में भी जो है ट्राई करके देखिए, कोई भी तीन पॉइंट करिए पर एक लाइन में ना हो, कोई भी तीन डॉट करो और कनेक्ट करके देखो कि क्या ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। देखो कोई भी तीन पॉइंट अपनी मर्जी से ले लो और ज्वाइन करो, पहले पॉइंट लेंगे, हाँ ठीक, कोई भी तीन पॉइंट एक लाइन में नहीं होने चाहिए तीनों, ठीक है, कहीं भी तीन डॉट लगाओ और आपस में जोड़ दो, कहीं भी, और जोड़ दो बस एक एक, एक को दूसरे से, कोई भी तीन पॉइंट लगाए, ये लगाए, ये लगाए, ये लगाए, कहीं भी कुछ भी बनाओगे हमेशा बनेगा, ठीक, ठीक। अभी अगर गौर से देखो तो वो भुजा छोटी है, ये भुजा लंबी है और ये भुजा उससे भी लंबी है, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि तीनों भुजाएं अलग अलग तरीके की हों, ठीक है, थोड़ा सा इधर आओ, तो थोड़ा सा और आ गया, ऐसे आओ कि जैसे ही बराबर हो जाओ, और आ गया, और आ गया, और आ गया, और आ गया। देखो एक स्टेज ऐसा भी हो सकता है कि जब ये दोनों भुजाएं बराबर हों पर इससे अलग हों, ठीक है, थोड़ा सा उधर मुझे, कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये तीनों भुजाएं बराबर हों, तो ऐसा हो सकता है कि तीनों भुजाएं अलग अलग हों, दो भुजाएं एक जैसी हों और तीनों भुजाएं एक जैसी हों, ठीक है, थैंक यू। तो देखो हम लोगों ने ये पढ़ा कि कोई भी तीन कहीं भी जो है बिंदु ले लो, अगर उनको जोड़ो तो क्या बनता है, त्रिभुज बनता है, ठीक है। अब ये जो त्रिभुज है इसमें क्या है, तीन भुजाएं हैं, एक दो तीन, और तीन शीर्ष हैं ए बी सी, या इनको हम लोग वर्टिसेस भी कहते हैं, ठीक है, तीन वर्टिसेस हैं। अब अगर इस साइड को देखो हम क्या बोलेंगे, ए बी, ठीक है, ए बी, दोनों जब तक नहीं बोलेंगे खाली ए से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ए पॉइंट है, बी ए पॉइंट है, ए बी, ये साइड कौन सी हुई, ए सी, ये साइड कौन सी हुई, बी सी, ठीक है। अब अगर देखो तो इनके बीच में तीन कोण भी बन रहे हैं, तीन शीर्ष है, तीन भुजाएं हैं, तीन कोण हैं, सब चीज तीन है। अब देखो कुछ ना कुछ ये कोण बन रहा है, इन कोण को कैसे प्राप्त करेंगे, ए से बी पे आए फिर बी से सी पे गए, तो इसको हम लोग कहेंगे ए बी सी, क्या कहेंगे, एंगल ए बी सी, यहां के लिए ए से सी पे आए और फिर बी पे गए तो एंगल ए सी बी, यहां पे बी से आए फिर ए पे गए फिर इधर आए तो एंगल
बी ए सी, ठीक है। तो कोई भी ट्राइंगल अगर हम लोग देख लें, भुजाएं अगर देख लें, ऐसे होता है, तो हम लोग को कैसे फाइंड करेंगे? मान लो ये शीर्ष ए है, ठीक है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, ए बी सी, ठीक है, ये क्या हो गया एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल, एंगल बी ए सी, ठीक है, ये वाला एंगल क्या हुआ एंगल ए बी सी, ठीक है, और ये वाला एंगल क्या हुआ एंगल ए सी बी, ठीक है। अब तीन कोण बने हुए हैं, इन कोणों को नापेंगे कैसे? चांदे से, ठीक है, एक चांदा लेंगे या प्रोटेक्टर लेंगे और उससे नापेंगे कि कितना एंगल है। हमने इस तरफ नापा और इधर एंगल ए सी बी आया हमारा 50 डिग्री आया, कितना आया 50 डिग्री, ठीक है। फिर इधर से नापा, इधर से हमारा आया 60 डिग्री, कितना आया 60 डिग्री। फिर हम लोग ने इधर से नापा, इधर से हमारा आया 80 डिग्री, 70 डिग्री, ठीक है, इधर से हमारा 70 डिग्री आया, ठीक है, ये हमारा आया 70, ये हमारा आया 60, ये हमारा आया 50, जोड़ो इनको कितना हुआ 70 60 50 180, कितना आया 70 60 50, ठीक है 180 आया, ठीक है। अब ये देखो हमारा एक तरह का ट्रायंगल हो गया, ठीक है, जिसमें तीनों एंगल अलग अलग तरीके के थे, ठीक है। अब अगर इनकी साइड भी अगर हम लोग जो है नाप के देखें तो साइड भी अलग अलग होगी। देखो बड़ा एंगल कौन सा है, ये इसके सामने वाली साइड ये बड़ी लग रही है ना, ठीक है, जो एंगल छोटा होगा उसके एंगल सामने वाली साइड छोटी होगी, ठीक है। अब ट्राइंगल को हम लोग दो तरीके से भाग दे सकते हैं, ठीक है, जो हमारा ट्राइंगल होता है या त्रिभुज होता है ये दो तरीके से पहचाना जाता है, एक साइड्स के तरीके से और दूसरा एंगल्स के तरीके से। कैसे? साइड्स के तरीके से और एंगल्स के तरीके से। साइड्स के तरीके में अगर तीनों साइड एक जैसी हो, ठीक है, बराबर हो, तो उसे हम कहेंगे समबाहु या इक्विलेटरल, समबाहु या इक्विलेटरल, इक्वल लेटरल मीन साइड, इक्विलेटरल, ठीक है, जिसमें सारी साइड्स इक्वल होंगी, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। दूसरा जिसमें दो साइड एक जैसी हो, सम द्विबाहु, राइट, सम द्विबाहु या आइसोसेलेस, ठीक है, इसमें टू साइड्स आर इक्वल, कोई भी दो, ठीक है, कोई भी दो साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। थर्ड जिसमें कोई भी एक जैसा ना हो, विषमबाहु, ठीक है, विषमबाहु या स्केलिन, इसमें ऑल साइड्स आर अनइक्वल, ठीक है, यानी कि कोई भी एक जैसी नहीं होगी, ठीक है। अब एंगल के टर्म में देखते हैं हम लोग, अगर हर एंगल जो हम लोग चांदे से नापेंगे, अगर सारे एंगल एक्यूट एंगल हो, यानी कि सारे अगर न्यून हो, तो कौन सा होगा, न्यून कोण त्रिभुज, या इसको हम लोग कह सकते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ऑल एंगल क्या है, एक्यूट है। सेकेंड, हो सकता है कोई एक एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया, ठीक है, कोई एक एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया, तो क्या हो जाएगा,
समकोण त्रिभुज, ठीक है, जिसको हम लोग राइट एंगल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट एंगल। इसमें क्या है, एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, कोई भी एक एंगल। एक एंगल क्या है? 90 डिग्री, ठीक है। पहले सारे एंगल 90 से कम थे, फिर एक एंगल 90 से ज्यादा हो गया, अब हम देखते हैं एक एंगल 90 हो गया, अब एक एंगल 90 से भी ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया मीन्स अधिक कोण, ठीक है, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल। तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ठीक है। वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, ठीक है, वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग ट्राइंगल को साइड या एंगल के टर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। साइड के तरीके से तीन तरीके से ट्राइंगल हो सकते हैं, हर चीज इसमें तीन ही होती है, और एंगल में भी तीन तरीके से हो सकता है, और हो सकता है कि कोई ट्राइंगल इनका मिक्सचर भी हो, क्योंकि एंगल से भी हम नापते हैं और साइड से भी नापते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो हमने ये ट्राइंगल लिया था, ठीक है, इस ट्राइंगल में देखिए सारे एंगल क्या थे, अलग अलग थे, ठीक है। अब अगर हम लोग नाप के देखें तो सारी साइड भी अलग अलग होंगे, तो ये कौन सा वाला होगा? अगर सारी साइड अलग अलग है तो क्या होगा? विषम बाहु, यानी स्केलीन, ठीक है। सारे एंगल हम लोग ने चेक किए 70, 60, 50, सब एंगल लेस देन 90 डिग्री है तो क्या होगा? सब लेस देन 90 डिग्री है तो क्या होगा? न्यून कोण, यानी एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो ये देखो दोनों तरीके का है, स्केलीन भी है और एक्यूट भी है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं स्केलीन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। साइड्स के तरीके से स्केलीन है, एंगल्स के तरीके से एक्यूट एंगल है, ठीक है। ये देखो ये कैसा हुआ, कितना एंगल बन रहा है? राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा हुआ? राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। देखने में कैसे लग रहा है? सब साइड्स अलग अलग लग रही हैं, तो स्केलीन एंगल ट्राइंगल, राइट। इसको देखिए, ये एंगल कितना होगा? 180। चांदा लगा के देखते हैं, आ रहा है 120 आ रहा है, ठीक है, 120 आ रहा है। कौन सा हुआ? अधिक कोण, यानी ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो आपको जब भी कोई ट्राइंगल दिया हो तो आप क्या करेंगे, उसकी साइड मेजर करेंगे और एंगल्स मेजर करेंगे और फिर बताएंगे ये किस तरीके का ट्राइंगल है, ठीक है।